कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 94वीं जयंती मौके पर श्रीयुत स्मरण तिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रीयुत को याद किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विंध्य क्षेत्र के जननायक कहे जाने वाले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 94वीं जयंती मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमहैया स्थित उनके आवास पर श्रीयुम स्मृति तिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार में पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजित स्मृति व्याख्यान माला में श्रीयुत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने श्रीयुत की महत्ता और उनके जीवन शैली पर प्रकाश डाला। इस दौरान श्रीयुत द्वारा कराए गए जन विकास कार्यों आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पदाधिकारी व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयंती के उपलक्ष्य में जो लोगों का प्रेम और स्नेह देखने को मिला है, वो मैं समझता हूँ कि निरंतर चला आएगा। जो प्रेम और स्नेह लोगों ने दिया है, वो जिस तरीके से दादा को देते थे, उसी तरीके से आज भी वो दादा को अपने बीच में मानते हैं और उसी रूप में लेते हैं। तभी उन्होंने आज इस तरीके से अपना प्रेम और उत्साह दिखाया है कि उनकी 94वीं जयंती कार्यक्रम में एक एक आदमी आया हुआ है। ऐसा कोई नेता नहीं जो नहीं आया। हमारे मंत्री जी आए, हमारे सभी एक यानी जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष से सभी उपस्थित थे। एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो छूटा हो, और सब ने अपना अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही कहूंगा कि इसी तरीके से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को पूरे अच्छी तरीके से मनाते रहें।